हालेलुया, सबको जय मसीह की। आइए मेरी भविष्यवाणी पुस्तक से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरोलाजी और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरोलाजी के द्वारा लिखी गई है। आज का पवित्र वचन, जैसे कि पहले शमूएल की पुस्तक अध्याय 22 के 1-2 में वचन में लिखा है, दाऊद वहां से चला और अदुल्लाम की गुफा में पहुंच गया और यह सुनकर उसके भाई वरन उसके पिता का समस्त घराना वहां उसके पास गया और जितने संकट में पड़े थे और जितने ऋणी थे और जितने उदास थे वे सब उसके पास इकट्ठे हुए और वह उनका प्रधान हुआ और कोई 400 पुरुष उसके साथ हो गए। मेरे प्रियो, यह चीज आपकी जिंदगी में बहुत मायने करती है कि आपकी संगति कैसे लोगों के साथ है, क्योंकि आपकी संगति का प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। जैसे लोगों के साथ आपकी संगति होती है वैसे ही आप बनते हैं। बाइबल में जब हम पहला शमूएल अध्याय 22 से 1-2 में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि दाऊद अदुल्लाम की गुफा में गया और उसके भाई और उसके पिता का पूरा घराना भी उसके साथ गया। वहां पर उसको वह लोग मिले जो कर्ज के नीचे थे और उदास रहने वाले थे। 400 लोग थे और दाऊद उनका प्रधान बना। और जब हम दूसरा शमूएल 23 पूरा पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ सालों बाद वह एक व्यक्ति सूरवीर बन चुका था। उनको दाऊद के सूरमा कहा गया है और जब लड़ाई होती थी तो वह एक व्यक्ति 800 जन को मारता था, क्योंकि उस समय शारीरिक लड़ाइयां चलती थी, पर अब नहीं है। अब हमारी लड़ाई शैतान के साथ है। मेरे प्रियो, वह लोग जो कमजोर थे, कर्ज के नीचे थे, जब वह दाऊद की संगति में आए तो वह बलवान हो गए और उनका कर्ज खत्म हो गया, क्योंकि सही संगति का प्रभाव सही पड़ता है और गलत संगति का प्रभाव गलत पड़ता है। इसलिए यह ध्यान रखें कि आपकी संगति किन लोगों के साथ है। मेरे प्रियो, जितना यह मायने करता है कि आपकी संगति किन लोगों के साथ है, वैसे ही यह भी उतना ही मायने रखता है कि आपकी संगति परमेश्वर के साथ है या नहीं। इसलिए सबसे पहले आपकी संगति परमेश्वर के साथ होनी चाहिए, क्योंकि जब आपकी संगति परमेश्वर के साथ होती है तो फिर पवित्र आत्मा आपको बताता है कि आपने क्या करना है और फिर आप सही फैसला लेते हैं और आशीषित होते हैं। मेरे प्रियो, आज कुछ लोगों की संगति न ही परमेश्वर के साथ है और न ही शारीरिक रीति से उनकी संगति सही लोगों के साथ होती है। वह प्रार्थना ही नहीं करते और न ही वचन पढ़ते हैं। वह मसीह होने के बावजूद भी उन लोगों के जैसे व्यभिचार करते हैं, गंदे मचार करते हैं और फिर वह बोलते हैं कि परमेश्वर हमें आशीषित क्यों नहीं कर रहा, मैं चंगा क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आपकी जिंदगी सही नहीं है और उस संगति का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। इसलिए मेरे प्रियो, यह ध्यान रखें कि आपकी संगति सही लोगों के साथ होनी चाहिए और सबसे पहले परमेश्वर के साथ होनी चाहिए, ताकि आप अपनी बीमारी, परेशानी और कर्ज से आजाद हो सकें। जैसे आज दाऊद की संगति में आकर लोगों का जीवन बदल गया, वैसे ही फिर जब लोग आपको मिले तो उनके जीवन पर भी सही प्रभाव पड़े। जब वह आपको मिले तो परमेश्वर की उपस्थिति को आपके जीवन से महसूस कर सके। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन, आमीन। यह घोषणा प्रेरित जी की तरफ से आपके लिए की गई है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपके नाम में घोषणा करता हूँ कि जितने भी इस वचन को पढ़ या सुन रहे हैं उनके जीवन में यह गलत लोग जाएं और सही लोग आएं, उनकी संगति परमेश्वर आपके साथ सही हो और यह परमेश्वर के नाम को महिमा देने पाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। मेरा विश्वास है कि जितने जनों ने यह वचन सुना है या पढ़ा है, परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा फलवंत करेंगे। यीशु मसीह के नाम आपके लाइफ से गलत लोगों की संगति जाएगी और आपकी संगति परमेश्वर के साथ बढ़ती जाएगी। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।